शनिवार को गोरखपुर डिस्पोजल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रांतीय अध्यक्ष पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल रमेश चंद्र गुप्ता के नेतृत्व में महापौर सीताराम जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। पॉलिथीन और थर्माकोल से बने बर्तनों के व्यापारियों ने महापौर से मिलकर थर्माकोल से बने बर्तनों की समय अवधि को 1 साल तक बढ़ाने की अपील किया। व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन लगातार व्यापारियों पर छापेमारी कर रहा है और असंवैधानिक तरीके से उन पर जुर्माना लगा रहा है। इस अवसर पर भारी संख्या में थोक पॉलिथीन विक्रेता और उद्यमी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल रमेश चंद्र गुप्ता और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, दो मांगे ये हैं कि बैंकों से इन्होंने कर्ज ले रखा है, इतना ही है, कम से कम 6 माह का जो है समय सीमा बढ़ना तो थर्माकोल से जो है अगस्त तक माल आएगा तो अगस्त तक मंगा के अगस्त सितंबर में बेच और उसके नीचे का रिसाइकिलिंग नहीं हो सकता है, तो जो रिसाइकिलिंग नहीं हो सकता है उस पर बैंड लगा। और दूसरी चीज़ है यूज एंड थ्रो, सरकार की भाषा समझिए, हम आपके भावनाओं से अवगत हैं, लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया है उसमें ये निर्णय लिया है कि यूज एंड थ्रो करने वाली एनी काइंड्स ऑफ गुड्स प्लास्टिक कि उसको मतलब कि बैन लगा, क्योंकि यूज एंड थ्रो करने के बाद जो रिसाइकलिंग नहीं होती है। प्रांतीय अध्यक्ष पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल, प्रदेश सरकार ने पॉलिथीन पर जो रोक लगाया है, दोहरा मापदंड जो अपनाया है, उससे प्रदेश का व्यापारी काफ़ी खफा है। 8 लाख लगभग जो है व्यापारी जो इससे प्रभावित है और इस व्यापार से जुड़े हर कारखाने जो लगे हुए हैं, लगभग 200 कर्मचारी उससे जुड़े हुए हैं। यह कारोबार निश्चित रूप से जो है काफ़ी प्रभावित कर रहा है, बेरोजगारी खत्म होगी और इन व्यापारियों के पास जो तमाम लगभग जो है 50 करोड़ के माल जो है इस गोरखपुर के व्यापारियों के पास जो है डंप पड़ा हुआ है, वह माल जो है काफ़ी दिनों तक यह हमारे गोदामों में पड़ा रहेगा। हम सारे लोगों की मांग यही है कि प्रदेश सरकार एक बार यह अवसर दे कि एक बार एक वर्ष के लिए समय सीमा बढ़ाई जाए, वरना यह जो छापेमारी हो रही है इससे व्यापारी इससे प्रभावित भी हो रहा है, व्यापारी इससे परेशान भी है। हम सारे लोगों की मांग यही है कि एक वर्ष का समय दिया जाए और 15 अगस्त से जो थर्माकोल से बने गिलास कटोरी और तस्तरी पर जो है प्रतिबंध लगाने का दूसरे चरण में जो है एक प्रयास जो है किया जाएगा, उसके लिए हम लोगों की मांग यही है कि थर्माकोल से बने गिलास और थाली और कटोरी पर रोक जो है लगाया गया है उसे वापस लिया जाए, नहीं तो यह व्यापारी सड़कों पर आने के लिए बाध्य होंगे। महापौर जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? महापौर जी ने जो गोरखपुर प्लास्टिक एसोसिएशन का डेलीगेट सभी मिला है, महापौर जी ने ये कहा है, चूँकि मैं भी व्यापारी परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, मैं आप सारी लोगों की बातों को जो है अपने अधिकारियों से वार्ता करके ये जो छापेमारी हो रही है उसमें जो है राहत दिलाने का कार्य करूँगा। और 26 तारीख को गोरखपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगमन पर मैं पूरे विस्तार से उनसे उनके सामने बातों को रख करके जो है इसमें जो है पूरा प्रयास यही करूंगा कि आप लोगों को जो है कुछ समय के लिए जो हम लोगों ने बढ़ाने की मांग की है उसमें समय दिया जाए। प्लास्टिक के व्यापारी हमारे पास आए थे और उन्होंने समय सीमा बढ़ाने की मांग की है कि जो सरकार ने बैन किया है उसकी समय सीमा बढ़ाई जाए।
हमने उनकी बातों को सुना है और मुख्यमंत्री जी के उनकी बातों को हम पहुंचाएंगे, लेकिन इस बात से सभी सहमत से कि प्लास्टिक पर बैन लगना चाहिए, समय की मांग कर रहे थे। सरकार ने चरणबद्ध ढंग से प्लास्टिक को बंद करने का निर्णय लिया है और एक अच्छा कदम है। अगर हम अपने बच्चों के भविष्य को, भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते हैं, तो हर नागरिक का दायित्व बनता है कि प्लास्टिक का यूज ना करें। सबसे बड़ी समस्या गोरखपुर की है, जो कैरी बैग की है। आज जितनी भी हमारे शहर की नालियां चौक है, वो कैरी बैग की वजह से है। कैरी बैग को पूर्णतः बंद किया जा कर दिया गया है और इसको बेचना, यूज़ करना, स्टोर करना ये दंडनीय अपराध बना दिया गया है। हम नागरिकों से अपील करेंगे कि देश की भविष्य के लिए, अपने बच्चों के बीमारियों से बचाने के लिए, गोरखपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कैरी बैग का उपयोग बंद कर दें। अगर बंद कर देंगे तो हमारे शहर में जो इंफ्लाइटिस और गंदगी और प्रदूषण, इससे हमारे शहरवासियों को मुक्ति मिल जाएगी और हम गोरखपुर को स्वच्छ और सुंदर वातावरण दे पाएंगे। यही हमारे यहाँ के नागरिकों से अपील है।